गाइज आप देख सकते हो ऊपर से पानी आता है यहाँ पे। यहाँ पे एक झरना भी है, वहाँ पे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी झरने की। तो यहाँ पे मैं लकड़ियाँ लेने आया था। तो ये रहा हमारा डॉबी डॉबी। यहाँ पे एवेंजर है, ये RS 200 है, एग्जॉस नोट सुन सकते हो। ये R1 है, ये हमारी स्कूटी और एग्जॉस्ट नोट सुने RS 200 का। स्वागत है आपका हमारी आज दूसरी वीडियो के चैनल में, दूसरे चैनल की वीडियो में नहीं, हाँ दूसरे वीडियो में। तो पहली वीडियो काफ़ी अच्छी रही, जहाँ पे आपने बताया था आवाज़ का इशू आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ज़ोर से बोलने में इसमें, क्योंकि अब जुगाड़ तो इसी में लगाना है। व्यू आप देख सकते हो हमारे पीछे शमशान घाट का और हमारे यहाँ का पुल का। कौओं की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो आज की वीडियो में अपने में थोड़े इंट्रो के बारे में रखी हुई है कि क्या हूँ क्या नहीं। तो मेरा नाम काशी है, बस इतना बहुत है, और मैं जम्मू से हूँ, और एक यूट्यूबर यूट्यूब चैनल है मेरा काशी विश्वनाथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो पिछली देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है पहली वीडियो, तो वो जाके वो देखिए। तो अपने बारे में भी कुछ बताऊंगा थोड़ी देर तक, कुछ सिनेमैटिक्स आपने देख लिए तो कुछ पिक्स भी देखना बाद में। गाइस आप देख सकते हैं इस वक्त हम तवी पे हैं, शमशान घाट का आपको दिखाया। तो यहाँ पे यहाँ से रास्ता जाता है एक हल्की पौड़ी को, आप वहाँ पे जा सकते हो हल्की पौड़ी, या कहीं भी आप घूमने आए आप मुझे बता सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हैं। फिर यहाँ पे शिव जी का एक मंदिर भी है भोलेनाथ का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। रात को यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी, देख सकते हो आप पानी, इस वक्त अभी फुल है हमारी। वो सामने गुज्जरनगर दिख रहा है आपको, सामने गुज्जरनगर है, वो दूसरा हमारा दूसरा कब्रिस्तान है वहाँ पे, कब्रिस्तान ही शमशान घाट है वो हमारा। तो यहाँ से आप देख सकते हो विक्रम चौक का पुल दिख रहा है, और यहाँ पे पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे हमारे भैया का एक टेंपल है, शिवजी भगवान का टेंपल है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप आगे, उसके भी थोड़े शॉट्स दिखा देंगे जैसे आपको हमने दिखाए थे। तो गाइज इस वक्त आप मेरी ड्रेस भी देख सकते हो, ड्रेस भी काफ़ी मैंने एक यूनिक लगाई है, कमेंट में बताओ इस अतरंगी ड्रेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल वाइट में, तो कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में बताएं। और वीडियो पिछली वीडियो में आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, तो उसमें एक आवाज़ का इशू आ रहा था, तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर थोड़ी लाउड बोलूँ, क्योंकि इस GoPro के कैमरे में ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास प्रॉपर माइक नहीं है,
और ना ही वो अवेलेबल है कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे यहाँ पे एरिया पे, जम्मू एरिया पे कहीं भी डिलीवर नहीं हो रहा वो। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जानता है ये जहाँ पे माइक्स वगैरह मिल सकता है मेरे को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो बाकी की वीडियो आगे बाद में कंटिन्यू करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं ऊपर से पानी आता है यहाँ पे, यहाँ पे एक झरना भी है, वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी झरने की, तो वहाँ पे फिर किसी और दिन ले जाएंगे आपको। यहाँ से व्यू देखो आप, तो गाइज इस वक्त हमें हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि मेरा एक दोस्त भी है JS व्लॉग्स, उन्होंने बताया हमारा उनका भी कैमरा आ गया है हीरो 8, जिसका कंपैरिजन हम बहुत जल्द लाएंगे, उसके लिए आप बने रहें वीडियो में हमारे साथ। गाइज आप पूछ रहे होंगे कि ये यहाँ पे करने क्या आया था, तो यहाँ पे मैं लकड़ियाँ लेने आया था। यहाँ देख सकते हो आप लकड़ियाँ काफ़ी लंबी है, तो घर का काम था एक, ये लकड़ियाँ लेके जानी थी, तो इसीलिए यहाँ से मैं लकड़ियाँ लेके अब घर जा रहा हूँ। तो शायद आपको मैं आगे बाइक में देखूँ, क्योंकि एक मोटो व्लॉगिंग चैनल है और बाइक मुझे आती ही नहीं है, तो सोचा कि सीख ही लेते हैं थोड़ी सी, है ना। बस तो ये रहा हमारा डॉबी, मिलिए डॉबी से, डॉबी हाय करो चैनल में, हाय करो। देखिए डॉबी हमारा, डॉबी हेलो कर। तो हाय गाइस वेलकम बैक। तो आज हम आए हैं अपने मामू के घर, टाइम लैप्स आपको दिखा दिया होगा, सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं हम ऊपर। तो ये यहाँ पे मेरे भाई हैं और ये एक छोटी सी सिस है मेरी, इसका नाम सोनम है और इसका नाम जुगनू है। जुगनू हेलो करो, हाय सोनम, हाय करो। तो आओ इनकी देखते हैं मेहनत क्या पढ़ रहे हैं ये। ये हमारे जुगनू भैया, ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य, और ये हमारी नारी शक्ति, हमारी नारी शक्ति। ऊपर देखो क्या कर रहे हो आप, पेंटिंग कर रहे हो जी। तो ये घर बना रहे हैं, देख सकते हो आप, आर्किटेक्चर बनने का इनका सपना है, बड़े होके आर्किटेक्चर बनेंगे। और ये हमारे हैं, इनका भी देख के मन किया, ये भी व्लॉगिंग करेंगे, बाइक्स वगैरह लेंगे, KTM स्टंट सीखेंगे। सही बोल रहे हैं हम? हाँ आप सही बोल रहे हो। हाँ तो बस इतना बहुत है। और दोनों ऊपर देखो ज़रा, और भैया के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके, और लाइक और शेयर हाँ दबा के ठोकना। हाँ इनकी बातें सुनना लाजमी है, हमारी सुने नहीं सुने। तो चलो बाय बाय कर दो, बाय स्टार्ट। ये हम हैं और ये हमारी बुक्स हैं और ये हम पढ़ाई कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब चल चल फिर से कर, और थोड़ी क्लियर बोलना और इकट्ठे बोलना। मैं बोलता हूँ, ये हम हैं, ये हमारी बुक्स हैं और यहाँ पढ़ाई हो रही है जो बिल्कुल भी नहीं आ रही, और हम क्या करें, और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है। तो वेलकम बैक गाइस, जैसे आपको मैंने बोला था कि आज हम थोड़ी बाइक वगैरह प्रैक्टिस करेंगे सीखने की। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी आए हुए हैं, टांगे भी आए हैं। तो आज हम हमारे पास पहले स्प्लेंडर आ रही थी, तो वो थोड़ी किसी काम से गई, तो अब इस कारण हमारे पास देख सकते हो वर्जन 3 आ गई है, जहाँ पे हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। और JS व्लॉग्स वाले हमारे जो भाई हैं, उन्होंने भी बोला कि वो भी आ रहे हैं मिलने के लिए, वो उनसे भी मिल लेंगे थोड़ा। तो ग्रुप में जाएंगे तब करेंगे, रहने दे समझाना काशी है प्लीज़। तो ये हमारे भाई हैं टांगे भैया, हाई कर दीजिए। तो ये लाए हैं हमारे पास वर्जन टू लेके आए हैं, थोड़ी सी सोचा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अब क्या कर सकते हैं। मोटो व्लॉगिंग हमारा पैसून जो है, हमने अपने पैसून के लिए सीखनी पड़ेगी, बाइक भी सीखनी पड़ेगी, सब कर देंगे आस्ता आस्ता। आज की वीडियो आपको अगर इस तरह से अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएँ,
कि मतलब आपको इस टाइप की वीडियो ऐसे लगेगी या सीधा टू द पॉइंट चाहिए, मतलब कोई मतलब मौजू मस्ती नहीं। मौजू मस्ती मैंने इसलिए डाली है ताकि मतलब आजकल जो डिप्रेशन में रहते हैं लोग, परेशान रहते हैं काफ़ी, मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसी दो मिनट के लिए हंसी हो जाएगी, भाइयों के लिए हंसी मजाक हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए सोचते हुए बनाई है। पलटन सारी हाय करो, हाय करो, हाय हाय। तो ये आ गई बाइक हमारी। गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे अवेंजर है, ये RS 200 है, एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हो, ये R1 है, तो ये हमारी स्कूटी प्रथम बाइक की, और एग्जॉस्ट नोट सुने RS 200 का। भैया आपने क्या एग्जॉस्ट लगाया कि क्या किया? नहीं भैया मैंने इसका सिर्फ फिल्टर चेंज किया है। फिल्टर चेंज किया अभी, मतलब और क्या मॉडिफिकेशन किया अभी? देख ले ब्लैक मॉडिफिकेशन के लिए भैया अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, सिर्फ विंगलेट और ये मैंने विंडशील्ड लगाई ओनली। गाइस ये हमारे फ्रेंड्स थे सारे, इनका इंट्रोडक्शन फिर किसी दिन करवा देंगे हम। ये हमारे अभी भाई हैं, इनसे आप मिल चुके हैं, ये जतिन भाई हैं, बाकियों से हम आपसे करा देंगे। ये हमारे नन्नू भाई हैं, अभी कैमरे में क्लियर ना होने की वजह से हम आपको फिर किसी और दिन आपको करवा देंगे इनके इंट्रोडक्शन वगैरह। तो ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म।